दिवस कर। सबसे पहले मैं इस पावन आश्रम के ईष्ट देव संत गरीब दास जी तथा उनके सतगुरु देव कबीर साहेब जी के चरणों में साष्टांग वंदनी करती हूँ। इस आश्रम की स्वच्छता, सुव्यवस्था और रमणीयता का मैं अभिनंदन करती हूँ। आश्रम के संस्थापक एवं संचालक सौम्य रूप के धनी, ज्ञान से परिपूर्ण परम पूज्य महर्षि गंगादास जी के चरणों में पवित्रता एवं संयम की सादगी, विवेक वाचनी मधुर भाषी शील दीदी के चरणों में भी उपस्थित पूरी भक्त संगत को भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी से आए मेरे प्रोफेसर साहिबान प्रोफेसर हवा सिंह जी, डॉक्टर सुमन दलाल, डॉक्टर सुमित्रा जी, डॉक्टर हिमांशु कुमार और अन्य सदस्य और मेरे सहयोगी सहभागी और एक किस्म से इस सत्संग के शिक्षक मेरे पति श्री कृष्णा, सभी मीडिया बंधुओं को कर बंद मेरा सत्साहित। अभी अभी हमने ईष्ट देव संत गरीब दास जी के बारे में शील दीदी जी से, महर्षि गंगा सागर जी से प्रवचन सुने, दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। मैं एक बहुत ही तुच्छ प्राणी, इस ज्ञान के बारे में मैं शील दीदी जी और गुरु जी की उपस्थिति में कुछ नहीं बता सकूंगी, तो मुझे क्षमा करना। यह आध्यात्मिक ज्ञान ही तो गीता ज्ञान है, जिनका अभी हमने श्री दीदी के मुख से सुना। इसी ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय में कहा है, हे अर्जुन, ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान को उन्होंने सर्वोत्तम बताया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में जो ज्ञान मैंने सूर्य को सुनाया, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सुनाया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को सुनाया, लेकिन आगे के राज ऋषि उसको भूल गए। वही ज्ञान हे अर्जुन मैं अब पुनः आपको सुनाता हूँ, क्योंकि अर्जुन हार चुके थे। जो शिव दीदी ने कहा नो दाई सेल्फ, श्री कृष्ण ये चाहते थे अर्जुन से कि हे अर्जुन आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर वो ऊर्जा है, शक्ति है जो न्याय लेकर आएगी, जो सत्य की जीत को लेकर आएगी। अर्जुन ने शंकावश होकर पूछा, हे वासुदेव, ये कैसे संभव है कि आदि सृष्टि में आपने ही सूर्य को ज्ञान दिया? इस पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे हरेक जन्म और मरण निर्मल तथा दिव्य है, मेरी लीलाएं भी अलौकिक हैं तथा दिव्य होती हैं, और जब जब धर्म की कलानी होती है तब तब मैं बारंबार अवतरित होता हूँ। अब इसी प्रसंग से ये स्पष्ट है कि संसार में प्रभु हमेशा अवतरित होते आए हैं, कभी राम, कभी कृष्ण और कभी कबीर बनकर। संगत ने
अभी शार्दशील दीदी के मुख से सुना, लेकिन ये भी सुना होगा, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, कभी नानक बन के कभी कबीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो इन्हीं अवतरित महापुरुषों की श्रृंखला में संत गरीब दास जी और फिर भीसा संत जी भी आए। हम सौभाग्यशाली हैं कि उसी दिव्य चेतना के नायक जीवंत स्वरूप हमारे मध्य महर्षि गंगादास जी हैं। सभी भक्त जनों को, प्रेमी जनों को इसकी मैं बधाई देती हूँ जो सौभाग्यशाली है यहाँ उपस्थित। युग पुरुष कबीर साहब विक्रम संवत 1456 को काशी के लहर तारा तालाब पर कमल के फूल में बाल पड़कर प्रकट हुए, ये हम सब जानते हैं। उस समय समाज जाति पाति छुआछूत धर्म अंधता एवं पाखंडवाद में जकड़ा हुआ था। ईश्वरीय गुणों से संपन्न संत कबीर ने 120 वर्ष का लंबा जीवन देह रूप में जन जन को जगाते हुए व्यतीत किया तथा विक्रम संवत 1575 को महानिर्वाण पर मृतक शरीर के स्थान पर फूल छोड़ गए। ये सारा दिव्य वृतांत और उनके जीवन की दिव्य लीलाएं शब्द वाणी के साथ और जो भी उपदेश उन्होंने दिया, हर सामाजिक व्यावहारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए आज प्रासंगिक है एवं अनुकरणीय है। और ये सारा ज्ञान महर्षि गंगादास जी की कृपा से इस पुस्तक में जिसका आज महर्षि जी विमोचन के लिए आज्ञा दे रहे हैं उसमें संग्रहित। संत कबीर का प्रभाव सदा सदा के लिए चिरस्मरणीय है तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक समरसता हेतु आत्म उत्थान हेतु अनिवार्य है, जिसे सभी संतों ने बताया है। जैसे संत कबीर के महानिर्वाण के 26 वर्ष बाद संत दादू जी हुए और उनकी वाणी है, दादू शब्द कबीर का मीठा लागे मोहे, सुनते ही सुख उपजे केता आनंद होए। सो आगे देखिए, आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व और संत कबीर के महानिर्वाण के 400 वर्ष बाद संत जीतादास जी हुए। उन्होंने भी वाणी में कहा है, सुन सुन ज्ञान कबीर का उतरे हंस अनेक, कर्मों बंदे रह गए बहुत से बिना विवेक। और ये विवेक आता है गुरु ज्ञान से, गुरु के बगैर जैसा श्री दीदी ने कहा आप अपने आप को जान नहीं सकते। इसी प्रकार कबीर साहब की अनिवार्यता हेतु इष्ट देव गरीब दास जी का प्रखर संदेश है, कस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े मैं कंत, आदि अंत की कहत हूँ पटतर नहीं कोई संत। जिस खुशबू का महक का अभी शिव दीदी ने जिक्र किया वो इसमें भी है, गरीबदास जी का संदेश है। स्पष्ट अभिप्राय यह है कि कबीर साहेब की उपयोगिता तो आदि सृष्टि से अंत तक बनी रहेगी, इसलिए संत कबीर के विचारों लीलाओं तथा उपदेशों को सभी संतों ने मानव समाज के कल्याण हेतु तथा आत्मिक उत्थान हेतु सदैव सदैव सार्थक एवं प्रासंगिक और अनिवार्य बताया है। ऐसे जन नायक संत की जीवनी को जानने की उत्कंठा स्वाभाविक है, इसलिए योगनिष्ठ महाराज महर्षि गंगादास जी ने भी अपने सतत
एवं सफल प्रयासों से युग पुरुष संत कबीर के जीवन चरित्र के प्रसंगों को क्रमबद्ध विवरणी सहित अति सुंदर चित्रों से सुसज्जित एवं सरलतम ज्ञान व्याख्या के साथ प्रस्तुत करके एक बहुत ही महान सुविधा किया है। प्रेमी जन जब इस पुस्तक को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर सुबद्ध पाठकगण इस पुस्तक से आत्म कल्याण एवं सद्भावना तथा सामाजिक उत्थान की प्रेरणा पाएगा। इस पुस्तक में कबीर साहिब के जन्म, जीवन, संघर्ष, व्यक्तिगत आचरण एवं महानिर्वाण तक के प्रसंगों को सोपान एक से सोपान सात तक बहुत ही संग्रहित तरीके से एक प्रशंसनीय महाराज जी ने कार्य किया है। सभी उपस्थित प्रेमी जनों के नायक एवं मार्गदर्शक महाराज गंगादास जी द्वारा लिखित इस उत्तम पुस्तक के लिए हम सभी साधु संग धन्यवाद। यह पुस्तक आत्म कल्याण का एक अनुपम उपहार है। मैं उच्च शिक्षण संस्थान में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में, जैसा कि बताया विशेष दीदी ने, एक ऊंची जिम्मेवारी पर हूँ। बहुत ही साधारण जीव हूँ, एक सिर्फ कर्म योग के सिवाय मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे संस्कार होते हैं, आपके कर्म होते हैं, जो आज आप यहाँ सब उपस्थित हैं। और मैं आपको एक साधारण आप बीती बात बता दूं कि ये तो 35 और 40 के बीच वर्ष की बात है, जब मेरे ससुर स्वर्गीय पूजनीय श्री जयचंद भगत जी गांव चिमनी से रोहतक आए थे। मेरी शादी हुई और मैं MA क्लास में पढ़ती थी, बेटा पुत्र उत्पन्न हुआ परमात्मा की कृपा से, और वो उसके लिए आए। कहते हैं कि बेटी मैं अपनी भक्ति करूँगा, पोते को पालूंगा, नौकर से नहीं, और तुम अपना काम करना, सिर्फ कोई आए घर में तो आप त्योड़े मत डालना, जो नौकर है उसको बोल देना बिना बुलाए वो आ जाए, देखते ही बस मेरी एक इच्छा है, चाहे मुझे सूखी रोटी दे दे। तो ये सब कृपा होती है। अब आज जो महाराज जी का आशीर्वाद है, ये 30-35 साल पुराना ही है, उनकी भक्ति को आज महाराज श्री गंगादास जी 35 साल पहले मेरे ससुर की भक्ति के आशीर्वाद से ये रोहतक हमें इनके दर्शन हुए। ऐसे ही गरीबदास जी का पाठ था, भूख लगा, मेरे ससुर वहाँ क्योंकि वो पाठ करते थे गए, और उन्होंने इन दिव्य शक्ति को पहचाना और बोले बेटी अब आप उम्र देखिए गंगादास जी की। उस समय बोले बेटी एक बहुत दिव्य आत्मा आई, आप दर्शन कीजिए। अब उस दिन के बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई, हम सोनीपत से यहाँ मुझे विश्वविद्यालय में जिम्मेवारी मिली, सोनीपत से मैं आ रही थी, मेरे पति साथ थे, क्योंकि विश्वास था। गरीबदास जी का आश्रम देखा, इस सड़क से जा रहे थे, हम रुक गए, हमने कहा नमन करके फिर चलेंगे क्योंकि सोनीपत का काम मीटिंग खत्म हो गई। अंदर आए मिले, हमें नहीं मालूम कि परमात्मा किससे हमें मिलवाएगा, कहाँ आशीर्वाद। और अंदर देखा तो महाराज जी, और उन्होंने सब बताया, पहचाना,
और वो कितना बड़ा दिल था, आज यहाँ उनकी भक्ति, मेरे पिताजी की भक्ति और इनका विश्वास, जिनसे मुझे गुरु जी का मिलन हुआ और आज आशीर्वाद उनका मिला और इस योग के उन्होंने मुझे समझा, उसके लिए मैं उनके चरणों में। ये बीच में थोड़ा सा मैं अपने भावों को नियंत्रण न कर पाई, भावुक हो गई, क्षमा चाहती हूँ। मैं ये बताने जा रही थी कि मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और संत कबीर की जो पुस्तक का इन्होंने इतने स्थित प्रयास से दिव्य रूप में प्रस्तुत किया है, वो हमारे सभी शिक्षक, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जहाँ भी हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य है, वहीं पर उनके विषय सूची में इनको शामिल किया गया है। और कबीर साहब के मैं बताऊं कि कितने ही शोधार्थी शोध कर रहे हैं, हो चुका है। और एक और अच्छी बात हुई, कल मैं डॉक्टर हिमांशु से बात कर रही थी, अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो मैंने कहा ऐसे चलना है और सुना है आपने, क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर में हैं, कबीर साहब का नाम तो सुना होगा। और सौभाग्यवश ये कहते हैं कि मेरी एक पीएचडी स्टूडेंट है जो तुलनात्मक अध्ययन कर रही है कबीर साहब और दूसरे इंग्लिश के जो हमारे कवि हैं। तो आप देखिए कि कबीर साहब कहें, आप गरीब दास जी कहें, गरीब दास जी पर भी इसी तरह शोध कार्य हो रहा है और वो शोधार्थी अपने एक अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, जिससे कि वो समाज को, उनके गुरु को, ज्ञान को और बहुत ही सरल तरीके से वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण करें। सो मैं अपनी दृष्टि से महाराज गंगादास जी की इस पुस्तक का मूल्यांकन अति उत्तम श्रेणी का शोध कार्य मानती हूँ। और मुझे संपूर्ण प्रभु पर, गुरु जी पर विश्वास है और मैं आशा करती हूँ कि हर पाठक गण, चाहे वो साथ संगत से है, प्रेमी जन है, शिक्षक है या शिक्षार्थी है या शोधार्थी है, हर के लिए यह पुस्तक एक अमूल्य निधि, जिसको शील दीदी ने हीरा बताया है, वो हीरा है। नितांत है इस महबूब पुस्तक को प्राप्त करने वालों को मैं अपनी शुभकामनाओं सहित बधाई देती हूँ और उन्हें महाराज जी के प्रयासों पर मैं आज बहुत गर्व अनुभव करती हूँ और उनके चरणों में उन्हें मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक अंत में छोटी सी बात पुस्तक के बारे में मैं और बताना चाहूँगी कि पुस्तक को अगर आप प्रथम पृष्ठ देखेंगे तो वो ओम शब्द से चित्रित है। आज कबीर साहब देह रूप में हमारे बीच नहीं है, परंतु जैसा कि शील दीदी ने बताया, शब्द रूप में कबीर साहब इस पुस्तक के हर पेज पर उपस्थित हैं, सुसज्जित हैं और समूची पुस्तक को कबीर साहिब के हाथ का, जिसको आप आशीष पंजा जाने, जैसा कि ईष्ट देव गरीब दास जी ने अपनी प्रेरणा वाणी में गाया है, पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, जमगी कर चंपे नहीं उधर जाते हैं वंश। अतः उपस्थित भक्त संगत, प्रेमी जनों, इस पवित्र पुस्तक को आप सब मस्तक पर लगाएं, यह अति उत्तम पुस्तक एक ग्रंथ स्वरूप है, ग्रंथ साहिब का हम पाठ करते हैं, पाठ वाणी होती है, इसको आप पढ़ेंगे, आपका पाठ की वाणी का भजन स्वयं हो जाएगा,
यह मेरा सौभाग्य है कि ऐसी महबूब पुस्तक को ग्रंथ को आज विमोचन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ और महंत श्री गंगादास जी का आशीर्वाद एक उदार उपस्थिति में प्रदान हुआ। महाराज जी के श्री चरणों में मैं वंदन करते हुए अपनी पूरी साध संगत को और प्रिय जनों को, अपने सहभागियों को और मीडिया बंधुओं को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और कोई क्षमा हुई है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहती हूँ।